अब हम बात करते हैं वायु मार्ग के प्रकार के बारे में अब वायु मार्ग के प्रकार के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं यदि हम अपने पृथ्वी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि पूरे उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग का अधिक विकास है है ना? और दक्षिणी गोलार्ध में हम उसे जली गोलार्ध के भी नाम से जानते हैं तो हम ये देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में ही उसके उत्तरी छोर में या उत्तरी पूरे क्षेत्र में जितने भी विकसित देश हैं चाहे हम पश्चिमी यूरोप की बात करें या हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें या हम पूर्वी कनाडा के देशों की बात करें तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं या ऐसे देश हैं जो बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध है उन्नतशील जो राष्ट्र हैं या विकसित राष्ट्र हैं है ना तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अपने पृथ्वी के या ग्लोब के भी पूरे उत्तरी क्षेत्र में ही हमको वायु मार्ग का अधिक विकास मिलता है और उसमें भी हम बात करें कि सबसे अधिक जो है वो किस देश में इसका विकास हुआ है तो वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे जो वायु परिवहन का जाल है उसका सिक्सटी परसेंट जो है वो अकेले आपके यूएसए में देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं वायु मार्ग के प्रकार की कितने प्रकार के वायु मार्ग होते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग जिसे हम कहते हैं मतलब कि जब कोई वायुयान जो है वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उड़ान भरता है या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक का सफ़र जो है वो करता है तो हम इसे अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग कहते हैं क्योंकि अंतर महाद्वीपीय मतलब हम दो महाद्वीपों को वायु मार्ग के माध्यम से जोड़ रहे हैं एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं एक कोई वायुयान है जो कि न्यूयॉर्क है ना हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं वायु पत्तन की बात कर रहे हैं जहाँ से वो उड़ाने भर रहे हैं तो हम बात करें कोई वायुयान जो है वो न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है या अपना सफ़र शुरू करता है और उसके बाद वो लंदन पहुंच जाता है फिर पेरिस के रास्ते होते हुए रोम और रोम से फिर काहिरा तक का सफ़र पूरा कर रहा है इस मार्ग के रास्ते वो वायुयान जो है वो उड़ान भर रहा है तो हम क्या देखेंगे न्यूयॉर्क जो है वो आपका यूएस में है संयुक्त राज्य अमेरिका में है जो आपका लंदन पेरिस और रोम ये आपके यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं और हम काहिरा की बात करें तो ये मिश्र की राजधानी या अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है तो ये वायुयान जो है वो हम क्या देख रहे हैं कि कहीं जहाँ से उड़ान भरा है और अपने गंतव्य स्थल तक ये तीन महाद्वीपों का जो सफ़र है वो पूरा कर रहा है तो ये हो गया अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग नंबर टू हम देखते हैं आ, आपका महाद्वीपीय वायु मार्ग हो गया महाद्वीपीय वायु मार्ग मतलब आ, एक ही महाद्वीप में आ, एक स्थान से दूसरे स्थान या एक छोर से दूसरे छोर या हम ये कहें एक देश से दूसरे देश तक की यात्रा करना वो भी एक ही महाद्वीप के अंदर तो हम इसे महाद्वीपीय वायु मार्ग कहते हैं अब आ, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जैसे कोई एक वायुयान जो है वो फिर से आपके न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है और न्यूयॉर्क से वो शिकागो आ जाता है और शिकागो से फिर मॉन्ट्रियल तो हम ये क्या देख रहे हैं ये तीनों ही जो देश हैं वो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हैं तो मतलब वायुयान ने उड़ान शुरू की थी आ, एक ही महाद्वीप के देश से और उसी महाद्वीप के किसी अन्य देश तक उसने अपनी यात्रा जो है वो पूरी की मतलब महाद्वीप से वो बाहर नहीं गया तो ये प्रकार हो गया आपका महाद्वीपीय वायु मार्ग तीसरा हम देखते हैं राष्ट्रीय वायु मार्ग की राष्ट्रीय वायु मार्ग वो होता है जहाँ पर वायुयान जो है वो अपनी उड़ान एक ही देश एक ही राष्ट्र के अंदर उसके अलग अलग छोर में अलग अलग हिस्से में या अलग अलग राज्यों तक की अपनी यात्राएं जो हैं वो करते हैं तो इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय वायु मार्ग उदाहरण के लिए हम अपने भारत में ले लेते हैं जैसे कि दिल्ली से एक यात्रा शुरू की जा रही है और कोलकाता तक जाएगी या मुंबई से हैदराबाद तक आ रहा है कोलकाता से बेंगलोर तक आ रहे हैं तो ये वायुयान की जो उड़ाने थी वो भारत देश के अंदर ही उसके अलग अलग हिस्से में हम उड़ान भर रहे हैं या वायुयान के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं तो ये जो है वो आपका कहलाता है राष्ट्रीय वायु मार्ग अब हम बात करते हैं स्थानीय वायु मार्ग की स्थानीय वायु मार्ग जो है वो इसमें प्रमुख रूप से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा की जाती है किसी स्थान विशेष में ही उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हम यात्रा करेंगे तो क्योंकि ये बहुतायत में हमको ऐसे क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है जहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वो किस उसके लिए हेलीपैड ही बनाने की आवश्यकता होती है और जहाँ पर हेलीपैड भी का निर्माण नहीं किया जा सकता उसे हम किसी एक बड़े मैदानी क्षेत्र में भी हेलीकॉप्टर को उतार सकते हैं तो जब किसी स्थान विशेष में किसी क्षेत्र में ही के अंदर जो यात्रा की जाती है हमने कहा इसका प्रमुख माध्यम जो है वो हेलीकॉप्टर ही होता है तो उसे हम क्योंकि ये कम दूरी की यात्रा की जा रही है तो इसे हम स्थानीय वायु मार्ग कहते हैं फिर है इन सब के अलावा कोई भी जो सैनिक कारण हो सकता है कोई युद्ध कारणों की वजह से या कोई कूटनीतिक या राजनैतिक महत्व की जो यात्राएं की जाती हैं उनको हम इस वायु मार्ग के अंतर्गत लेकर आते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री कोई राजनैतिक कारण यदि हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को ही यदि दिल्ली से हांगकांग जाना है है ना या दिल्ली से उसे जो है मुंबई आना है या हैदराबाद आना है उन्हें तो जो वो यात्रा करेंगे वो राजनैतिक महत्व या उसके पीछे कारण जो है वो राजनैतिक कारण होगा है ना इसी प्रकार हम बॉर्डर में अलग अलग बॉर्डर में अपने सैनिकों को आ, जो है अस्त्र शस्त्र या उन्हें अलग अलग टाइप की जो आ, सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने के लिए जो यात्राएं की जाती हैं वो इस प्रकार के अंतर्गत आती हैं तो ये हो गई आपकी प्रमुख वायु मार्ग के जो हैं वो प्रकार अब हम देख लेते हैं कि प्रमुख जो हैं वायु मार्ग कौन कौन से हैं जहाँ पर जो यात्राएं की जाती हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन से रास्ते किन हम बोले वायु पत्तनों के माध्यम से किन शहरों या देशों से होकर यात्राएं की जा रही हैं उसमें जो प्रमुख हैं उनकी हम अब बात करते हैं अब हम बात करते हैं विश्व में जो प्रमुख अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग है जो महत्वपूर्ण है उनका अध्ययन करते हैं नंबर वन है आपका यूरोप अमेरिका वायु मार्ग अब मैं जैसे जैसे बोलते जा रही हूं उन स्थानों को आपको अपने मानचित्र पर उसकी लोकेशन भी देखते जाना है और हम आप देख भी पा रहे होंगे आपके सामने मानचित्र है विश्व का मानचित्र तो जो यूरोप अमेरिका वायु मार्ग है उसमें पहला जो महत्वपूर्ण है वो हम देखते हैं आ, लंदन से ये शुरू होता है लंदन से होकर ओटावा तक जाता है इसके बाद हम देखते हैं पेरिस पेरिस से शुरू हो रहा शुरू हो रहा है और उसके बाद लिस्बन बरमूडा और न्यूयॉर्क तक आ, ये मार्ग जो है वो जाता है इसके बाद फिर से अगला हम देखें तो स्टॉकहोम से शुरू हो रहा है और इसके बाद ओस्लो तक जाता है ओस्लो से ये कोटावा और न्यूयॉर्क तक इसी में नेक्स्ट है आपका लंदन से ये मार्ग शुरू हो रहा है और लंदन से होते हुए लिस्बन सेल्वाडोर आ, रियो डिजेनेरो ब्यूनस आयर्स तक की ये पूरी अपनी यात्रा को कंप्लीट करता है अब हम देखेंगे जो ये यूरोप अमेरिका के वायु मार्ग इतने जो हमने चार वायु मार्ग इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण देखे इसमें इस मार्ग पर अमेरिकी ब्रिटिश और फ्रांसीसी वायुयान ही आपको आ, अधिक रूप में मिलते हैं अब दूसरे मार्ग की हम बात करें तो ये वायु मार्ग है आपका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया से होता हुआ ये वायु मार्ग जाता है और ये तीन महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है और इनकी हम यदि बात करेंगे तो ये वायु मार्ग जो है वो लंदन से शुरू होता है और लंदन से होते हुए ये उसके बाद रोम काहिरा बगदाद फिर वो एशियाई देशों में आ गया कराची मुंबई से होते हुए हांगकांग मेलबोर्न तक जाता है इस मार्ग के जो वायुयान है वो आपके मुख्य रूप से ब्रिटिश वायुयान होते हैं फ्रांसीसी, इटालियन और भारतीय वायुयान ही इस मार्ग में प्रमुख रूप से उड़ान भरते हैं अब हम आते हैं यूरोप अफ्रीका के वायु मार्ग में आप फिर से अपने सामने मानचित्र में देख पा रहे होंगे ये मार्ग जो है वो साउथ हैम्पटन से शुरू हो रहा है और साउथ हैम्पटन से शुरू होते हुए ये जाता है रोम रोम के बाद काहिरा काहिरा से होते हुए नैरोबी और केप टाउन तक आपका जो अफ्रीका का दक्षिणी क्षेत्र है वहां तक इसकी जो यात्रा है इस मार्ग की वो पूरी होती है यदि हम इस मार्ग पर चलने वाले वायुयानों की बात करें तो ये मुख्य रूप से ब्रिटिश फ्रांसीसी और इटालियन वायुयान ही इस मार्ग पर चलते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया के वायु मार्ग मतलब वो मार्ग जो आपका उत्तरी अमेरिका से पूर्वी एशिया को मिलाता है इस मार्ग में आप फिर से अपने मानचित्र पर देख पा रहे होंगे ये मार्ग सैन फ्रांसिस्को यहाँ से शुरू हो रहा है सैन फ्रांसिस्को आपको दिख पा रहा होगा यहाँ से होते हुए ये जाता है हवाई द्वीप के होनोलुलू होनोलुल्लू के बाद मनीला पहुंचता है और मनीला के रास्ते होते हुए ये हांगकांग तक जाता है इसके अतिरिक्त सैन फ्रांसिस्को से होनोलुल्लू मनीला और हांगकांग ये तो उड़ान भरता ही है इस मार्ग में और इसके अतिरिक्त इस मार्ग का जो के जो वायुयान है वो आपके जापान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और हांगकांग से भी उड़ान भरते हैं और ये जो मार्ग है वो लंदन से प्रारंभ होता है और लंदन से प्रारंभ होकर पेरिस बर्लिन वार्सा मास्को, इर्कुटस्क होते हुए वोस्तक तक जाता है तो ये हो गई आपके विश्व के प्रमुख अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें और भारत का या भारत में हम वायु परिवहन की बात करें तो हम देखते हैं कि जो भारत है वो विश्व के पूर्व एवं पश्चिम दोनों दिशाओं के मध्य का वायु मार्ग का केंद्र है सेंटर पड़ता है ये और अगर हम देखें तो इस समय वर्तमान में भारत में चार अंतरराष्ट्रीय वायुपत्तन स्थित हैं जिसमें है आपका सांता क्रूज मुंबई में पालम या इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी वायुपत्तन जिसे हम कहते हैं जो दिल्ली में स्थित इस है इसके बाद दमदम वायुपत्तन जो कोलकाता में है और मीनाम्बकम ये वायुपत्तन आपका चेन्नई में है तो ये चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वायुपत्तन जो है आपके भारत में स्थित हैं। अब अगर हम बात करें कि भारत में जो वायु मार्ग है वो कौन कौन से हैं, तो आप फिर से अपने मानचित्र पर नजर डालिए और जो जो स्थान बताए जा रहे हैं लोकेशन जो बताई जा रही है उस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे पहला है भारत का वायु मार्ग आपका दिल्ली से मुंबई मार्ग दिल्ली से ये मुंबई तक जाता है और किन किन वायुपत्तनों या किन किन स्थानों से होकर ये गुजरता है तो ये दिल्ली जयपुर गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई नंबर टू हम देखें दिल्ली कोलकाता मार्ग है तो जब वायुयान दिल्ली से उड़ान भरकर कोलकाता तक पहुंचता है तो इस बीच वो पहले दिल्ली से उड़ान भरा फिर यूपी में आ गया यूपी के उत्तर प्रदेश के आपके कानपुर पहुंचता है फिर वो बिहार आ जाता है बिहार के पटना पहुंचता है और उसके बाद फिर ये पश्चिम बंगाल कोलकाता तक इसकी जो यात्रा है वो पूरी हो पाती है तीसरा हम वायु मार्ग देखें तो आपका दिल्ली चेन्नई मार्ग है ये जो मार्ग है वो दिल्ली से शुरू होता है उड़ान भरना यहाँ पर से वायुयान दिल्ली से उड़ान भरते हैं और उसके बाद नागपुर नागपुर के बाद काजीपेट और काजीपेट होते हुए चेन्नई तक इनकी यात्रा जो है वो पूरी होती है अब नेक्स्ट आपका आता है मुंबई से कोलकाता मार्ग आप फिर से अपने मानचित्र पर नजर डालिए उसमें मुंबई से वायुयान उड़ान भरते हैं उसके बाद औरंगाबाद नागपुर होते हुए कोलकाता पहुंचते हैं फिर नेक्स्ट है आपका आ, मुंबई से होते हुए हैदराबाद और हैदराबाद के बाद फिर चेन्नई ये आपका नेक्स्ट वायु मार्ग है इसके बाद हम देखते हैं जो छठवां आपका वायु मार्ग है वो कोलकाता से शुरू होकर कोलंबो तक पहुंचता है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक इसमें हम देखते हैं कोलकाता से वायुयान जो है वो उड़ान भरते हैं और वहां से होते हुए विशाखापटनम विशाखापट्टनम के बाद चेन्नई चेन्नई से होते हुए कोलंबो तक इनकी यात्रा पूरी होती है फिर नेक्स्ट है आपका मुंबई से तिरुअनंतपुरम तक तो मुंबई से वायुयान पहुंचते हैं कोचिन और कोचीन के बाद फिर ये तिरुअनंतपुरम तक अपनी यात्रा पूरी करते हैं फिर नेक्स्ट है आपका दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक तो डिब्री दिल्ली से वायुयान पहुंचते हैं पटना पटना से गुवाहाटी और गुवाहाटी के बाद डिब्रूगढ़ तक ये अपनी यात्रा पूरी करते हैं और इसके अलावा एक अन्य वायु मार्ग है जो दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक उड़ान भरता है तो आपने देखा ये भारत के प्रमुख वायु मार्ग हो गए अब इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे परिवहन के जो हमने अन्य साधन पढ़े हैं साथ साथ इसमें भी आपको अपने मानचित्र में जितने भी मार्ग दिखाए गए हैं उन सब की लोकेशन उन जगहों की लोकेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण में से ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको मानचित्र पर लोकेशन या उनकी स्थिति दर्शाने के भी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं या उन वायु मार्ग को दिखाने के लिए या पर्टिकुलर उस मार्ग में पड़ने वाले कुछ स्थानों की स्थिति भी आ सकती है तो ये हो गई बात वायु मार्ग की ने भी जैसे कहा ही कि वायु परिवहन जो है वो वर्तमान में परिवहन का एक तीव्रतम बहुत शीघ्र दूसरे स्थान तक पहुँचाने वाला लेकिन एक महंगा साधन है और जैसे हमने कहा कि हम एक सिकुड़ते हुए विश्व में निवास कर रहे हैं या वायु परिवहन ने जो है पूरे विश्व को सिकोड़ कर रख दिया है वो कैसे कि अभी हमने कहा ना कि आप एक ही दिन में पूरे विश्व का जो है अगर आपको यात्रा करनी है तो वायु यार वायु मार्ग के माध्यम से लगभग 35 घंटे में हम पूरे विश्व की पूरी यात्रा कर सकते हैं और इसे हम ये कितनी तीव्रता है इसमें इस बात का अंदाज़ा इसी बात से हम लगा सकते हैं कि अगर आप सुबह का जो नाश्ता है वो दिल्ली में करते हैं दोपहर का खाना आप लंदन में खाएंगे और रात का जो भोजन है वो आप न्यूयॉर्क में करेंगे तो हम कह रहे हैं कि कितना सिकुड़ गया है विश्व या समय जो है कितनी समय की कितनी बचत हो जा रही है वायु मार्ग के माध्यम से अब हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये आ, हमने कहा कि सबसे तीव्रतम या बहुत शीघ्र पहुंचाने वाला माध्यम तो है साधन तो है लेकिन इसके साथ साथ ये साधन जो है वो बहुत खर्चीला है और महंगा है इसे बहुत धनी व्यक्ति या जिनके पास जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं वही लोग इसका खर्च जो है वो वहन कर सकते हैं इसके बाद इसमें भारी और सस्ती वस्तुओं का जो परिवहन है वो नहीं किया जा सकता है ना, जो हल्की वस्तुएं हैं और हल्की होने के साथ साथ बहुत कीमती हैं या बहुत जल्दी ख़राब हो जाने वाली वस्तुएं हैं उन सब का परिवहन हम इस वायु मार्ग के माध्यम से कर सकते हैं इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने इसके पहले भी बात की कि कभी भी कोई जो प्राकृतिक आपदा होती है जैसे बाढ़ आ गया भूस्खलन हो गया आ, या सूखे की स्थिति है भूकंप की स्थिति है इन किसी भी प्राकृतिक आपदाओं की कंडीशन में आ, उन स्थानों तक आ, किसी भी प्रकार की जो हमें सुविधा पहुंचानी है चाहे वो दवाइयाँ हो या भोजन हो या अन्य अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं की हम बात करें तो हम वायु मार्ग के माध्यम से या वायु यान का प्रयोग करके शीघ्र शीघ्र जो है उन तक ये सेवाएं या सुविधाएं उनको मुहैया करा सकते हैं इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब भी युद्धकाल की जो परिस्थिति होती है या किसी भी प्रकार की राजनैतिक अस्थिरता या राजनैतिक असंतुलन की जो स्थिति है वो बनती है तो आ, किसी भी देश का जो वायु परिवहन है वो उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है कि सेनाओं तक वो अस्त्र शस्त्र या किसी भी प्रकार की सुविधाओं को पहुंचाने का बहुत तीव्रगामी साधन होता है इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी पर्वतीय क्षेत्र किसी भी प्रकार का पहाड़ी इलाका हो जहाँ पर रेल लाइनें जो है वो नहीं बिछाई जा सकती सड़कों का विस्तार नहीं किया जा सकता बहुत घुमावदार रास्ते होने के कारण तो उन क्षेत्रों में भी वायु मार्ग जो है वो एक लाभकारी परिवहन का साधन होता है या हम ये कहें कि अगर वहाँ पर कोई वायुयान नहीं उड़ा आ, उतारा जा सकता जिसको हम स्थानीय रूप से प्रयोग करते हैं जैसे हेलीकॉप्टर का प्रयोग हम उन स्थानों पर कर सकते हैं ये तो हो गई सुविधाओं की या वायु परिवहन की विशेषताओं की बात लेकिन इसके साथ साथ हमको पता है कि जहाँ भी हमको सुविधाएँ मिलती हैं तो वहाँ पर उनकी कुछ कमियाँ भी होती हैं या दोष भी होते हैं तो हम बात करते हैं वायु परिवहन के कौन कौन से दोष हैं ये बहुत खर्चीला यह हम ये कहें बहुत महंगा परिवहन का साधन है हमने भी बात की थी कि केवल जिनके पास बहुत अधिक पैसे हैं वो ही इसका खर्च जो है वो वहन कर सकते हैं इसके साथ साथ वायु परिवहन में सुरक्षा से संबंधित भी कई समस्याएं आती हैं जैसे हमने बात की थी कि मौसम अचानक ख़राब हो गया या कोई वायुयान जो है कोई दो वायुयान अपने रास्ते से भी भटक गए तो उनके टकराने से दुर्घटनाएं आदि होने की संभावनाएं रहती हैं या टोपोग्राफिकल कुछ या हम बात करें कि उच्चावच संबंधी कोई पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र अचानक उस वायुयान के रास्ते में आ गया तो भी दुर्घटना से संबंधित जो डर है वो बना रहता है हालांकि जो वायुयान है वो एक वृहद वृत्त मार्ग का अनुसरण करते हैं और अलग अलग स्थानों पर जाने वाले जो वायुयान हैं वो अलग अलग ऊंचाई पर ही उड़ाए जाते हैं ताकि दुर्घटना से संबंधित संभावनाएं जो हैं वो कम हो जाए लेकिन फिर भी इसकी संभावना बहुत हद तक बनी रहती है हाँ इसके बाद हमने देखा कि भाई ख़राब मौसम में भी हम वायु सेवा जो है वो उपलब्ध नहीं करा सकते और साथ ही साथ अभी हम कोविड के पीरियड में हमने देखा कि वायुयान या वायु मार्ग हम कहें कि अलग अलग देशों से जो वायुयान के माध्यम से भी जो कनेक्टिविटी थी उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि किसी भी प्रकार का जो संक्रमण है है ना या बीमारियों की हम बात करें तो उसका भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाने की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं है ना तो इसके लिए भी अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है और हम बात करें कि दुर्घटनाओं को हमने देखा ही है कि दुर्घटना में भी जो अपहरण जैसी जो समस्याएं हैं है ना वो भी आजकल हम देख रहे हैं कि आ, कई प्लेन जो हैं वो हाईजैक कर लिए जाते हैं अपहरण कर लिया जाता है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी या इस प्रकार की दुर्घटना से संबंधित जो संभावनाएं भी हैं वो सुविधा होने के साथ साथ बढ़ भी जाती हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख कर हम इन आ, जो परिवहन का जो तीव्रतम साधन है आधुनिक रूप से उसका हम फायदा उठा सकते हैं